अगर गोश्त खाने वाले कार्निवोर्स जानवर शिकार करना छोड़ दें तो फिर क्या होगा? शाम होते ही भूखी शेरनी शिकार करने की तैयारी शुरू कर देती है। वो आहिस्ता आहिस्ता घास में छुपते छुपाते हिरनों का के रेवड़ की तरह बढ़ना शुरू कर देती है। घास या झाड़ियों में उसका भूरा जिस्म छुपा रहता है। हिरन बड़े इत्मीनान से घास चर रहे होते हैं। शेरनी अपना जिस्म जमीन पर लगाए आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ रींगती रहती है। उसकी कोशिश होती है कि वो इसी तरह रींगती हुई जितना मुमकिन हो हिरनों के करीब आ जाए। अचानक शेरनी उछलती है और रेवड़ की तरफ भागना शुरू कर देती है। हिरन इस अचानक हमले से घबरा जाते हैं और जिसका जिस तरफ भी मुंह हो भागना शुरू कर देता है। शेरनी रेवड़ में सिर्फ उस हिरन के पीछे भागती है जो कमजोर हो या छोटा होने की वजह से तेज ना भाग सकता हो। शेरनी हिरन को देखते ही देखते अपने ताकतवर पंजे की मदद से नीचे गिरा लेती है और अपने तेज लंबे दांतों से उसका खात्मा कर देती है। गोश्तखोर जानवरों का इस तरह शिकार करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मगर ये घास खाने वाले जानवरों यानी हर्बीवोर्स की तादाद कम रखते हैं। अगर गोश्त खाने वाले जानवर शिकार करना छोड़ दें तो घास खाने वाले जानवरों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जहां वो रहते हैं वहां कोई पौधा नहीं बचेगा, वो इलाका सहरा में तब्दील हो जाएगा। फिर घास खाने वाले जानवर खुद ही भूख से मर जाएंगे। गोश्त खाने वाले जानवर कुछ हिरन तो जरूर खा लेते हैं, मगर इससे हिरनों की नस्ल महफूज रहती है।